सो जैसा मैं कह रहा था, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर पे है और चल के आप जा सकते हो कुतुब मीनार। सीधा रास्ता है साकेत से और फिर आपको राइट मारना है। अभी मैं जस्ट यहाँ पे आया हूँ सिग्नल पे, यहाँ से मुझे राइट लेना है कुतुब मीनार के लिए। तो आधे घंटे की वॉक करने के बाद फाइनली मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार में। एक बार दिखा भी देता हूँ आपको बाहर से, ये देखो, ये मेरे पीछे जो है ये है दिल्ली का कुतुब मीनार। तो चलिए आप अंदर जाके इसको देखते कैसा दिखता है, क्या है, और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं देने की आपको कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। पीछे जो आप अभी देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है। अगर आपको कुतुब मीनार के अंदर आना है तो आपको यहाँ से टिकट निकालना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट 35 रुपीज़ है। बट फिलहाल COVID-19 के कारण ये जो टिकट काउंटर है उसको बंद करके रखा है और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। उसका जो QR कोड है मैं यहाँ पर डाल दूँगा फोटो उसका। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो अभी इस वीक में या इस पीरियड में, तो आपको इस QR कोड स्कैन करके उसमें पेमेंट करना है, फिर आपको एक ऑनलाइन टिकट मिल जाएगी। बस उस ऑनलाइन टिकट को फिर डोर पे दिखा देना है। फाइनली एंटर कर दिया है मैंने कुतुब मीनार में और अभी बजे है शाम के 3। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली, मेरे फ़ोन का जो नेटवर्क है यहाँ पे कैश नहीं कर रहा था। तो मैंने किसी वहाँ पे जो लोग थे टूरिस्ट थे उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी हेल्प की टिकट निकालने में। और मेरे सामने अभी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कुतुब मीनार। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे कुतुब मीनार। तो काफ़ी बड़ा डोम यहाँ पे है, डोम टाइप स्ट्रक्चर है। और इसके आर्किटेक्चर की बात करूँ तो काफ़ी मज़ेदार है और आप लोग यहाँ पे ज़रूर आना देखने के लिए, सही जगह है ये। तो कुतुब मीनार की अगर हिस्ट्री के बारे में अगर बात करूँ तो कुतुब मीनार जो था वो एक्चुअली टावर ऑफ विक्ट्री बोल सकते हो उसे बनाया, एज अ टावर ऑफ विक्ट्री बनाया गया। कुतुब मीनार के साइड में एक मॉस्क है, उस मॉस्क को जीतने के बाद इस टावर का निर्माण किया गया। और बाय द वे ये एक ही पूरे इंडिया में ऐसा टावर है जो स्टोन से बना हुआ है, ये स्टोन टावर भी बोल सकते हो। और करीब करीब 13 AD में 1300 के आसपास इस टावर का निर्माण किया गया था। और उस तरह से एक लेयर इस तरह से, बाय द वे ये जो टावर है जो 5 स्टोरेज जो मेरे आप पीछे देख सकते हो, 5 लेयर का टावर है और हर फ्लोर काफ़ी ज़्यादा अपने आप में यूनिक है। तो आप अगर देख सकते हो तो नीचे जो बेस में है, एक मिनट वो भी दिख, तो ये 5 स्टोरी का है। देखिए एक ये है आपका फर्स्ट, उसके बाद है सेकंड जो सर्कुलर है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा स्क्वायर टाइप है, वापस एक सर्कुलर है और लास्ट में और एक पिलर है। काफ़ी सही जगह है, आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। और मेरे पीछे काफ़ी अच्छा पार्क भी है, आप लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो इस पार्क में, नो डाउट अबाउट इट। एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है इस बार, बिकॉज जो सिचुएशन है COVID-19 की उसके कारण यहाँ पे ज़्यादा लोग आए नहीं है। और अच्छा है, आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए अगर आप दिल्ली में विज़िट कर रहे हो तो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है खलजी का मकबरा। चले जाके अंदर तो देखते हैं किस तरह से दिखता है। तो आप ये देख सकते हो जो स्टोन्स है वो जमाने का कंस्ट्रक्शन है,
अभी तक वैसे का वैसा है, कोई उसमें थोड़ा सा इधर उधर डैमेज है। और ये मेरे पीछे जो है ये टॉम है जो मैंने कहा खलजी का जो टॉम है ये है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें काफ़ी अच्छा है, देखने लायक चीज़ है, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो अंदर से कुछ इस तरह से ये दिखता है और ये है खलजी का मकबरा, बढ़िया लग रहा है। पीछे अगर आप देख रहे हो ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैरट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। बाय द वे इसकी जो टिकट है वो एक दिन के लिए वैलिड है, आप उसके ऊपर तो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये देखिए क्या व्यू है यार, एक मिनट में यही भी आपको दिखा देता हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1976 तक जो है उसके पहले ना पब्लिक को अलाउ किया जाता था इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्लोर, इसमें 5 फ्लोर्स है तो विंडोज से आप अच्छा व्यू देख सकते थे। बट उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए थे 1976 के पहले। तो उसके बाद से जो है टूरिस्ट को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करते, वहाँ पे एंट्री बंद है। तो गाइस अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आयरन पिलर है, आपकी अगर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में अगर आपने कभी इसको देखा रहेगा, इसका जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन था वो बहुत सी बार आता था। एक्चुअली ये जो पिलर है वो काफ़ी पुराना है। अभी जो पिलर्स भी देख रहे हो, बात कर रहे हो इसके आर्किटेक्चर की, तो काफ़ी सही है। मतलब उस ज़माने का जो आप कार्विंग देख सकते हैं, जो कार्विंग है या उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की है काफ़ी यूनिक है और देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए अगर। तो गाइस ये वो मॉस्क है जिसको जीतने के बाद जो है कुतुब मीनार के टावर को बनाया गया था। तो अभी फाइनली वक्त आ गया है मेरा यहाँ से निकलने का, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे यहाँ पे आना भी था बहुत समय से, तो बस अब निकल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो में आपको प्रॉब्लम आएगा, देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मेरा ट्राईपोड वहाँ पे ले लिया है, ज़्यादा समय कलेक्ट करना है उसको, ट्राईपोड्स आर नॉट अलाउड इनसाइड दिस पॉइंट, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। और टूरिस्ट को स्पेशल रिक्वेस्ट वंस अगेन, जितने भी है कचरा यहाँ पर मत फेंकिए, जगह जगह पर आपको जो है डस्टबिन अवेलेबल करके रखे हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए। और कुछ इस तरह से रैम्स भी बना के रखे हैं फॉर जो व्हील चेयर वाले लोग हैं उनके लिए। वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, तो काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस तरह से बैठने के लिए यहाँ पे सीट्स का अरेंजमेंट किया है, साथ ही साथ डस्टबिन भी यहाँ पे है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करना। और ये कुछ इस तरह से रैम्स भी बना के रखे हैं। और एक ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स है, पत्ते हैं, इसको हाथ ना लगाए, इसको ना तोड़े, वरना आपको फ़ाइन लगेगा इस चीज़ का। ऑलराइट, फिर अब यहाँ से निकलते हैं, वापस घर जाना है हमको मेट्रो पकड़ के। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना भूल गया कि जो किड्स है उनके लिए यहाँ पे बिलो 15 है उनको फ्री है एंट्री, तो पैसा बच गया आपका वहाँ पे अगर आपके साथ बच्चे हो तो। अभी मैं जा रहा हूँ मेरा ट्राईपॉड खरीदने अपना देने के लिए, वापस ट्राईपॉड लेके यहाँ से मैं निकल जाऊँगा नियरेस्ट स्टेशन के लिए, सीधा फिर मिलते हैं आपको मेट्रो स्टेशन पर। तो फाइनली वापस मैं आ चुका हूँ साकेत मेट्रो स्टेशन और अभी जा रहा हूँ वापस घर उसी मेट्रो से सीधा राजीव गांधी चौक में उतर जाऊँगा। वैसे टेम्परेचर देखा जाए तो अभी दिल्ली में जस्ट नॉर्मल दोपहर के समय में 18 डिग्री चल रहा है, क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। ये सेम टेम्परेचर मुंबई में सुबह होता है 6 बजे के आसपास,
और मुंबई का भी जो टेम्परेचर है, फिलहाल मुंबई का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री चल रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और बैग को सैनिटाइज किया जाएगा। COVID-19 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मेट्रो में ना बैग को सैनिटाइज किया जा रहा है, प्लस टेम्परेचर चेक भी किया जा रहा है। तो वक्त आ गया है वापस दोबारा मेट्रो को इस्तेमाल करने के लिए। अपना ये जो मेट्रो कार्ड है, यहाँ पे मेट्रो कार्ड को लगाया और ये हम निकल गए। तो अभी वजह है शाम के 4:10 ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ से अभी तो घर से निकल रहा हूँ। फिलहाल अभी देखता हूँ थोड़ा आसपास राजीव गांधी चौक में अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ पे घूम लूँगा, और कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिला तो देख लेते हैं। फिर आज थोड़ा सा मुझे रश ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, देखते और क्या देखने को मिलता है आगे। कल का व्लॉग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा, कल मैं जाऊँगा लोटस टेम्पल, तो उसको भी ज़रूर देखना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। ये कुछ इस तरह से है मेट्रो का व्यू, और ये अपना फोल्ड कर रहे हैं अपनी मेट्रो। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ राजीव गांधी चौक, अभी घर जा रहा हूँ, एग्जिट करना है यहाँ से, गेट ढूंढ रहा हूँ कहाँ से आया था एग्जिट करने के लिए। देखते हैं कितने पैसे अभी कटेंगे हमारे, मैं एक्चुअली देखा नहीं था लास्ट टाइम। तो राजीव गांधी चौक से साकेत तक और साकेत से रिटर्न मुझे टोटल कॉस्ट लगी है 64 रुपीज़। नॉट बैड यार, ठीक है, अभी बैलेंस मेरे पास है सिर्फ 36 रुपीज़ बचे हुए हैं, तो कल बहुत थोड़ी देर बाद यूटिलाइज करूँगा। एनीवेज गाइस थोड़ा एग्जिट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा राजीव गांधी चौक घूम लेता हूँ और उसके बाद घर चला जाता हूँ शाम को आराम से। मेरे को ये पता नहीं था मैं कौन से गेट से आया हूँ, मैं एग्ज़िट ढूंढ लिया और निकल गया। अभी देखते कहाँ पे पहुँचता हूँ। वैसे अभी का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, शाम का वक्त हो रहा है और ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं अभी शाम के। तो ये है यहाँ का फेमस राजीव गांधी चौक, और देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। KFC का भी आउटलेट है यहाँ पे, हर ब्रांड हर चीज़ आपको देखेगी, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यहाँ पे आते हैं, तो वीडियोस में अगर आपने देखा रहेगा तो कई लोग यहाँ पे आते हैं। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। टिल देन टेक केयर, ट्रैवल सेफ एंड कीप लुक गुड।